माई डामी साहू, आई स्टडी इन क्लास 10। माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फवारा। सर, मेरे मॉडल का नाम मल्टीपर्पज मैकेनिकल मशीन है। सर, यह रेसिप्रोकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर, इस मशीन का उपयोग हम मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं। सर, आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस से एक व्हील लगा हुआ है। इस व्हील पे हमने एक पीस जोड़ा है जो साइमल्टेनियसली मूव करता है, जिससे एक तरफ हम शेपिंग का काम करते हैं, जिससे हम वस्तु को शेप करते हैं, और एक तरफ कटिंग का काम करते हैं, जिससे हम वस्तु को काट सकते हैं। सर, इसमें एक गियर लगाया है जिससे नीचे में हमने ड्रिलिंग मशीन फिट की है, जिससे हम किसी भी वस्तु को ड्रिल कर सकते हैं। सर, आप जानते हैं कि हम इस तीनों काम को करने के लिए एक अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थान पर कारखाना स्थापित करता है, जिससे जंगलों को काटकर कारखाना बनाना पड़ता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित हो जाता है और उपजाऊ जमीन वेस्ट हो जाता है। इसलिए सर, यह मशीन एक ही स्थान पर एक साथ विभिन्न उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित नहीं होता और हमें अलग अलग कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम रुपयों की बचत कर सकते हैं। इससे 3 गुना समय की, मेन पावर, एनर्जी और 3 गुना स्थान की भी बचत हो सकती है। सर, पोर्टेबिलिटी आज की दुनिया की एक महती आवश्यकता है। आज शब्द विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक के रूप में मिला है। सर, हम इस मशीन को सोलर पैनल की सहायता से भी चला सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं। सर, इस मशीन में हमें 1000 रुपये की लागत लगी है। अगर हम इसे बड़े इंडस्ट्रीज में अप्लाई करें तो इसकी लागत 25,000 से 30,000 रुपये की होगी। इसलिए सर, हमने जो मशीन तैयार की है वह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के संबंध में हमारे इस सिद्धांत को पूर्ण